नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सबका स्वागत है। आज है 2nd of March 2023। तो आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एट 4.01 रिसेंट स्विंग हाई। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी आल्सो रिसेंटली जो एक्टिविटीज है वहां पे हाई मारा है, दैट इज एट 4.90। ए स्ट्रिंग ऑफ ओवरसीज डेटा एज वेल एज यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा कंटिन्यू टू फ्यूएल कंसर्न दैट इंटरेस्ट रेट्स कुड कीप क्लाइंबिंग फॉर लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड। यील्ड्स व्हिच राइज एज बॉन्ड प्राइसेस फॉल हैव बीन ऑन द अप इन द पास्ट मंथ as strong economic data supported expectations that the US Federal Reserve will tighten financial conditions more aggressively to fight inflation. Dollar index recent high se soft hua hai, recent high mein jo tha wo 105.35 tak gaya tha, abhi hai 104.48. jaise ki हमारा कल का एनालिसिस था वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका 28 फरवरी के लो के नीचे थोड़ा सॉफ्ट होना है, कल उसके लो के नीचे गया है, आज का जो एक्सपेक्टेशन से ये कंटिन्यू करना चाहिए कल के लो के नीचे, यानी कल का जो लो है वो है आपका 104.09, उसको लो के नीचे कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डॉलर सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी में अच्छा खासा वीकनेस देखा गया है। हमारा जो मेजर एनालिसिस था ऑन 27th, जहाँ पे हमने अपने ग्रुप में ये डाला था कि जब मार्केट आपका 82.9394 लेवल था, वहाँ पे हमने 83.25 कॉल ऑप्शन प्रीमियम को शॉर्ट करने का रिकमेंडेशंस दिया था। उसका रीज़न भी हमने फॉलो अप वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मेनली क्या है और एक बार हम देख लेते हैं। रेंज शिफ्ट, डॉलर रुपी आपका 82.50 और 83 के बीच में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, और कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा था, अराउंड RSI 60। जैसे ही यहाँ पे रेंज शिफ्ट दिया है उसके बाद एक नीचे की तरफ जाना तय था, रेंज शिफ्ट फॉलोड बाय सेल ऑफ। तो यहाँ पे अभी ये नीचे के तरफ कितना जाने का है, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी है 82.00 एंड 81.50, लेकिन हमें रेगुलर बेसिस में देखना है कि इनविजिबल हैंड्स कैसे इंटरफेयर करते हैं डे टू डे प्राइस एक्शंस, क्या अच्छा खासा इंटरवेंशंस करेंगे एट एवरी डिप या दे विल अलाउ डॉलर रुपी टू अप्रिशिएट, क्या होगा वो हमें देखना है। GBP डॉलर में कंसोलिडेशन आफ्टर द बाउंस बैक फ्रॉम द रिसेंट स्विंग लो, ये कंसोलिडेट कर रहा है, कल एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, यानी इंडिसीजंस। प्राइस अभी RSI टर्म्स में 40-60 के बीच में मूव करने का प्रयास कर सकता है। दैट बीइंग द केस 1.19 ऑन द लोअर साइड एंड 1.22 ऑन द हायर साइड, ये 300 बेसिस पॉइंट्स 3 BBs के अंदर में ही कुछ टाइम के लिए टाइम पास करने का प्रयास कर सकता है। GBP INR में भी कंसोलिडेशंस हैं और ये आपका नीचे की तरफ 98.70 एंड ऊपर की तरफ 101, इसके बीच में थोड़ा टाइम पास करने का प्रयास कर सकता है। उसके बाद आइदर साइड ब्रेकआउट में टेक द करेंसी पेयर इन ए ट्रेंडेड डायरेक्शन। यूरो डॉलर पे फ्रॉम द बॉटम ये अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, कल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0565 एंड 1.0691, अभी है 1.0656। सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे डेली पे एक रेंज शिफ्ट देखा गया है, दैट बीइंग द केस ये रेंज शिफ्ट कंफर्म हो चुका है। सो वी मे एक्सपेक्ट अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.07 एंड 1.08, एक एक्सपेक्टेशंस है। अभी देखते हैं यूरो INR पे आपका
यहाँ पर भी कंसोलिडेशन नीचे से बाउंस बैक करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस एज ऑफ नाउ आपका 87 ऑन द लोअर साइड एंड 88.50 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में थोड़ा टाइम रहने का एक्सपेक्टेशन से बिफोर इट इज ब्रेकिंग आउट ऑन आइदर डायरेक्शंस। डॉलर येन आपका 136.36 अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर के तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 138 के पास है। अभी हमें क्लियर कट प्राइस सेक्शंस का इंतजार रहेगा। एज ऑफ नाउ ऐसा देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस कर रहा है। सो जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में रहेगा, प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अ ट्रेंड। येन INR पे अच्छा खासा सेल ऑफ है। आपका 28 फरवरी में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इसके लो के नीचे एक शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में ये अभी है 1.36, कल और परसों ये जो हाई मारा है वो है आपका 1.3660 के आसपास। ये आफ्टर टेकिंग ए सपोर्टेड 1.35 1.3525, ये थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी कर रहा था, इमीडिएट रेजिस्टेंस बीइंग 1.37। अभी देखने वाला बात ये है कि डेली आरएसआई क्या ये 60 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या फेल टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड कम बैक, ये हमें देखना पड़ेगा। $80 में कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। दैट बीइंग द केस थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये रेंज में अटक गया है। अभी है 0.67 एंड 0.68 के बीच में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होगा बिफोर सम इंडिकेशंस आर देयर। अभी RSI जो है ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 40, क्या ये रेजिस्टेंस कंफर्म करेगा? ये कंफर्म तभी करेगा जब कल के लो के नीचे क्लोज दे देगा। इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट सम शार्प सेल ऑफ ऑन $80 करेंसी पेयर। डॉलर CNH अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखा है फ्रॉम 6.98, ये अच्छा खासा सेल ऑफ हम देखे हैं। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज किया है। दैट बीइंग द केस एनी अपटिक मे बी सोल्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। UK ऑयल 84.32, ये साइडवाइज जो बड़ा रेंज है 89 ऑन द हायर साइड 17 ऑन द लोअर साइड, इसके बीच में ही बेसिकली ये साइडवाइज चॉपी एंड वॉलेटाइल मूव करने का प्रयास करेगा जब तक ये रेंज के अंदर में है। एक बार रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा इन आफ्टर दैट ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट इन आइदर डायरेक्शंस। US 10-year ट्रेजरी ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैव टोल्ड कि अभी है आपका 4.016, ये हाई को तोड़ के ऊपर चला गया है। पर हमें एक्सपेक्टेशन था कि 24 फरवरी के लो के नीचे एक सॉफ्टनेस, लेकिन सॉफ्टनेस हो नहीं रहा है। रेदर RSI टुक सपोर्ट एट 60 एंड ट्राइंग टू मूव हायर। सो यहाँ पे और भी US फेड के द्वारा रेट हाइक का संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज है। सो इसके कारण ये वो रेट 10-year US ट्रेजरी एज वेल एज 2-year US ट्रेजरी ऊपर की तरफ मूव करता रहा है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड